पहले आप काट दिए, अब सी दिए, फिर कहीं का बुलाते डॉक्टर साहब, बोलते वो अभी करना पड़ता, सडन बोलो, नहीं तो फिर बाद में नहीं होता, वो 4-5 महीने के बाद करना पड़ता बोले। तो मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर साहब, आप कैसा करते करो बोले। तो उन्होंने सीधे के उन्होंने जो गायब हो गए, तो फिर गायब ही हो गए। ऑपरेशन थिएटर सीधे काट के सी के आके बोल रहे अभी 1 लाख रुपए दो मेरे को, फिर मैं आपको दूसरे डॉक्टर बुला के कराता हूँ बोले। वो श्री साई धनुष बल के हॉस्पिटल बालापुर के ब्रांच में, काटेदन में है, बालापुर का ब्रांच है। तो इन्होंने बोले मेरे सर है वो, मैं उनके हाथ के नीचे रहती हूँ, सर्जरी भी मैं रहती हूँ, मैं करती हूँ बोले। ये मेरी वाइफ को एक पेट का प्रॉब्लम हुआ, स्टमक पेन हुआ, वो स्टमक पेन होने से मैं यहाँ पर ये MM जनरल हॉस्पिटल बोल के यहाँ पे बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, जो अब नहीं है, उखाड़ लिए उन्होंने। तो ये बोर्ड देख के मैं लेडी डॉक्टर है बोल के इनका ने ला के बताया। तो मैडम मेरे को थोड़े स्कैनिंग रिपोर्ट टेस्ट लिख के दिए, वो जाके फिर मैं वो टेस्ट वो ये सब करा के दूसरे दिन लेके आया। दूसरे दिन लाने के बाद में उन्होंने बोले इसमें प्रॉब्लम है बहुत, इनको ऑपरेशन करना कंपलसरी है, दवाइयों से नहीं कम होता बोले। तो ऑपरेशन को क्या खर्चा होता मैडम बोलता, उन्होंने बोले 60,000 खर्चा होता। तो अरे मैडम उतना नहीं है, आप कुछ भी कैसा भी कुछ भी कर सकते क्या, ऐसा ऐसा बोले। तो मैं चले गया, उन्होंने फिर कॉल करके बोले नहीं मैं जिसका ने करा रही हूँ उन्होंने 40,000 में राजी हो गए, आप आ जाइए 40,000 लेके सर्जरी कर देंगे बोले। तो अच्छी बात है बोल के मैं रात में आके 40,000 दे दिया उनको, दे दे के उन्होंने बोले अब रात से कुछ भी मत खिलाइए, सुबह तक सुबह सर्जरी करना रहता है। अच्छी बात है बोल के उसको कुछ भी नहीं दिया 10 बजे रात के बाद में। वो देने के बाद में अब उन्होंने क्या करे, सुबह में काटेदन को आप आके कॉल करो बोले, हॉस्पिटल का नाम भी नहीं बोले मैं कहाँ भेज रहे। मैं काटेदन सुबह 7 बजे पहुँच के बीवी को ले लेके गाड़ी पे अकेले गया, जाके फ़ोन करा मैडम मैं इधर आया, तो आप बोर्ची होटल कने आओ बोले। मैं बोर्ची होटल कने गया, बोर्ची होटल कने मैडम मैं बोर्ची होटल कने बोलता हूँ, उसके बाजू में एक हॉस्पिटल है देखो आप, साई धनुष हॉस्पिटल है, वहाँ जाइए बोले। वहाँ गए तो वो छोटे स्कूलों के बेंचा वेंचा ऐसा हॉस्पिटल है वो। अरे मैडम ये कहाँ फंसा दिए लाके, कैसा हॉस्पिटल है ये बोलता, आप बेफिक्र रहिए कुछ भी नहीं होता, वहाँ सर्जरियाँ होते रहते बोले। अच्छी बात है बोला मैं, सर्जरियाँ होते बोले। वो डॉक्टर संतोष कुमार बोल के वो दवाखाने का उन्होंने आया, उन्होंने आके रिपोर्ट देख के बोला इनको ब्लड कम है, मेरा ब्रांच और एक बालापुर में है, वहाँ पे आप लेके चले आओ, वहाँ पे आपको ब्लड चढ़ाना पड़ता है ऐसा, मैं दूसरे दिन करता हूँ ऑपरेशन बोलता हूँ। मैं वहाँ लेके चलेगा, वहाँ ले जाने के बाद में बीच में तबीयत खराब हो गई, तो ऑटो चुका के ऑटो में लेके गया उनको, बिठा लेके ऑटो में जाके वहाँ पे एडमिट करे। तो जो मैं खून लाऊं क्या बोलता, नहीं हमारे पास अवेलेबल है मंगा लेते बोल के, जो 1,000 रुपये का खून है उसमें भी 2,500 रुपये लिए मेरे से, मतलब जान दो इमरजेंसी है बोल के वो भी दे दिया, वो खून चढ़ा दिए उन्होंने। खून चढ़ाने के बाद में दूसरे दिन सुबह 7 बजे सर्जरी बोले, इन्हों बोले मेरे को, मैं सर्जरी में मैं रहती हूँ, मैं भी सर्जन ही छू करती हूँ सर्जरी बोले। क्या नाम है इनका? इनका डॉक्टर महर सईदा महर उनिसा बोल के, इनका वट्टापल्ली में इंडियन फंक्शन हॉल की गली में है, इनके पास ही ट्रीटमेंट चल रहा था हम उसको, इनका ने नहीं थोड़े दिन पहले ही चाहिए, इनका ने जब दर्द हुआ तो इन्हें टेस्ट लिखे, इन्हों रेफरेंस पूरे रिपोर्टों में इनका रेफरेंस नाम है पूरा इनका। तो हम इनको लेके आगे वहाँ पे उन्हें ऑपरेशन कर दिया, 15 मिनट कर दे के बाहर आके बोला मेरे से नहीं होता ऑपरेशन, दूसरा डॉक्टर बुलाना पड़ता, आप 1 लाख रुपए और दो मेरे को, तो मैं फिर कर बुला के कराता हूँ बोला। मतलब आप काट दिए अब सी दिए बोला, मतलब आप काट दिए अब सी दिए, फिर कहीं का बुलाते डॉक्टर साहब, बोलता वो अभी करना पड़ता, सडन बोलो, नहीं तो फिर बाद में नहीं होता, वो 4-5 महीने के बाद करना पड़ता बोले। तो मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर साहब, आप कैसा करते करो बोले। तो उन्होंने सीधे के उन्होंने जो गायब हो गए, तो फिर गायब ही हो गए। पहले आप लोग बोले थे ऐसा कुछ भी होता बोले? नहीं बोले ऐसा कुछ भी नहीं बोले, नहीं कुछ भी नहीं बोले ऐसा कुछ। ऑपरेशन थिएटर सीधे काट के सी के आके बोल रहे अभी 1 लाख रुपए दो मेरे को, फिर मैं आपको दूसरे डॉक्टर बुला के कराता हूँ बोले। नहीं दूसरे हॉस्पिटल, ये जो मैडम भेजे वो हॉस्पिटल में हुआ, वो श्री साई धनुष बल के हॉस्पिटल बालापुर के ब्रांच में, काटेदन में है, बालापुर का ब्रांच है। तो इन्होंने बोले मेरे सर है वो, मैं उनके हाथ के नीचे रहती हूँ, सर्जरी भी मैं रहती हूँ, मैं करती हूँ बोले। फिर इनको ऑपरेशन के टाइम में सर्जरी बहुत फोन आ करा, इन्होंने बोले बाद में दोपहर के बाद फोन करके बोल रहे नहीं मेरे को बच्चे साइलेंट पे डाल दिए थे फोन, मैं नहीं देखी सॉरी बोले। बोला आप एक रेस्पॉन्सिबल डॉक्टर हो के आप कैसा साइलेंट पे बोल के रख देते वैसा बोल के। इनका ने सुनिए बोलता मैं वो सब, इनके बाद हम क्या करें, जाके वहाँ पे बालापुर PS मीरपेट PS में कंप्लेंट करे। तो उन्हें डॉक्टर को बुलाए, वो डॉक्टर को बुलाए, इनको इन्हों भी आए वहाँ पे, इनको तो पकड़े थे वहीं नहीं जाना बोल के, इनको लेके आए। इनको लेके आए बाद में वहाँ पहले वो डॉक्टर कहने ना सर्जरी की वो है उन्हें सर्जनिस्ट नहीं है, उन्हें वो डिग्री में उन्हें सर्जनिस्ट नहीं है, उन्हें भी सर्जन नहीं कर सकता। फिर इन्होंने आके बोले नहीं मैं यूनानी क्यों, मैं खाली रेफर करी बोले ऐसा।
तो फिर ऑपरेशन करते हुए मेटर्निटी बोल के नर्सिंग होम बोल के पूरा खोल के रखे यहाँ, फिर इन हाइस ने वो डिग्री पेशेंट का आवेसी में जब का जब हमला इमरजेंसी में लेके गए फिर भी वो नहीं लेते दोबारा कोई भी दवा खाने वाले, तो फिर भी हमला रिकमेंडा लगा के एडमिट करा दिए। कराए तो लोग बोले, वो डॉक्टर देख के बोले भाई, वो भी एक घंटा सोचे पूरे डॉक्टर करके फिर एडमिट करके बोले हमारे को अभी 6 हफ्तों तक कुछ भी नहीं बोल सकते, अभी नहीं छेड़ सकते, पूरा सीधी है उन्होंने कैसा कैसा किए वो अंदर क्या डैमेज करे क्या करे, स्कैनिंग भी नहीं निकाल सकते अब 6 हफ्तों के बाद ही आपको जो भी है करेंगे बोल के। तो कंप्लेंट नहीं करे अभी हमला यहाँ इधर करे मैलारदोपल्ली पी एस में, हाँ मैलारदोपल्ली में कंप्लेंट कर, पूरा इलाज कराते बोल के भी बोले थे वहां से इन्हों गए भी चौ गए। इसके बाद में इन्हों कौन की है पहलवान वहाँ पे छोटू पहलवान बोल के फातिमा नगर के उन्हों फोन करके मेरी बहन है वो आप ऐसा ऐसा नको करो, हाँ डॉक्टर मेरी बहन है वो आप ऐसा ऐसा नको करो, 40 दिए थे आप 50,000 ले लो खामोश चले आओ बोल के उन्हों बोले ठीक है मैं क्या करने का है मैं कर लेता हूँ बोल के मैं उनको अच्छा उन्होंने कौन है आओ भाई इधर दवाखाने में ना अवेसी में आके बात करा तो मैं कहीं भी नहीं आता हूँ मदीना होटल को चाह बोल के वहीं बुला रहे उधर ठीक है हम बोल के भी वहाँ भी गए। क्या है कि भाई भाई मेरा नाम शेख अब्दुल फहीम है, सलमा बेगम मेरे भाई ने पेशेंट जो अभी हमारे भाई ने जो बयान दिए हलीमा बेगम, मेरा क्या बोलने का मकसद है भाई उल्ला जैसे इलाज कराते बोले अब ऐसे हालात हो गए 10-5 का इलाज भी नहीं है वो, अब इन्होंने जो छेड़खानी कर दिए ना उसका तो खैर अलग लेवल पर इलाज बता रहे हैं हॉस्पिटल में, तो हमारे को जैसे पैसे भी नहीं होना था, हमारे को सिर्फ इंसाफ ये चीज़ का होना है हमारे को कि इन लोग आके इलाज कराना खड़े के हमारे पेशेंट का, और इन लोगों का कारोबार ये एक नहीं है, इन लोगों का कारोबार छूछा का भी है, इनके वाली साहब जैसे टस्टरियों पे पढ़ के खैर लेडीज़ को उन लोगों को बुला के क्या क्या करते वो खैर अलग बात है, मगर जैसे ये भी कारोबार इन लोगों का है, तो मेरा क्या मतलब है मैं कंप्लेंट करा दिया ऑलरेडी, बस मेरी सर्कल साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे को जैसे फैसला होना, बस हमारे को हमारे हक में फैसला होना, और जो ये पहला ना इन लोग जो भी अरे इनके बीच से उन लोगों का मुंह बंद होना, अब ये बस हमारी ये रिक्वेस्ट है और कुछ भी नहीं।